की कहानी है ना, तुम्हारी मेरी जुबानी। क्या सर? इसे बोला जाता है फैटिक। मतलब कौन कितनी देर में मुन्ना बोर हो जाता है, कौन कितनी देर में बोर हो जाता है, राइट? आप स्कूल में ही बोर हो जाते होंगे, ठीक है, राइट? समझ जाए ना, ठीक है ना। इसी को एफडब्ल्यू टेलर ने बोला कि भैया ये जो फैटिक है, बोर होने वाली की एक स्टडी करो, क्योंकि क्योंकि कोई भी बंदा, भैया मैं तुमसे खुद कह रहा हूं कि तुम लगातार है ना 4 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, चाहे कितनी बढ़िया एसी वगैरह कंडीशन देते घर वाले तुम्हें। ऐसी कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय लगातार 5 घंटे काम नहीं कर सकता, वो ऐसे करने ही लगेगा। इसे बोलते हैं कि ये चेक करो, ये ढूंढो कौन ज्यादा बोर हो रहा है, यानी कौन बंदा बोर हो रहा है कितनी देर बाद। अगर कोई पर्सन 10 बजे ऑफिस पहुंचा है तो भैया हो सकता है वो 10 से 2 लगातार काम करके 12 बजे करीब वो है ना आलस, है ना, बोर हो जाना, या इसे कह दो आलस, राइट? आलस आने लगे उसे और वो थोड़ा सा यॉर्निंग वगैरह थोड़ा सा सुस्त हो जाए वो, ठीक है। तो उसे 12 बजे भैया एक 15 मिनट का ब्रेक दो, 15 मिनट का ब्रेक। फिर भैया 12 से 2 तन बढ़िया काम किया, ठीक है ना। फिर भैया 2 बजे दे दो भैया उसको लंच ब्रेक, लंच ब्रेक दे दो, लंच ब्रेक, ठीक है ना। फिर लंच में बढ़िया आधा घंटा ब्रेक दिया उसे बढ़िया तरीके से, फिर उससे बोला कि भैया देखो आधे घंटे का ब्रेक है, 2:30 बजे पहुंच जाना, राइट, अपनी टेबल पर। तो भैया 2:30 से 3:30 4 तक फिर वो बोर हो गया, तो 4:30 बजे 4:05 PM पर आप उसे क्या कर सकते हैं, फिर से एक ब्रेक दे सकते हैं, टी ब्रेक। अब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो 12 बजे 15 मिनट का ब्रेक देना चाहती है, 2 बजे लंच ब्रेक आधे घंटे का देना चाहती है, 4 बजे करीब 4:30 बजे करीब वो टी ब्रेक फिर से 15 मिनट का देना चाहती है, और 6 बजे छुट्टी हो जाएगी। कंपनी टू कंपनी की शिफ्टिंग पे डिपेंड करता है। कुछ लोग रात में काम करते हैं, भैया कैब आ जाए, अरे कैब आने वाली मेरी कितने, रात के 2 बजे, मम्मी अब आप कर लिए 2 बजे तक, है ना, दरवाजा खोलते रहो लगातार ना। कई बार देखा होगा नाइट शिफ्ट, किसी की दोपहर को शिफ्ट चलती है, किसी की शाम को शिफ्ट चलती है, और कौन कितने समय बोलते हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है। स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, पर ये गाइडलाइन है एक तरीके से। तो टेलर सर ने बोला कि हर एक पर्सन क्या है, वो टायर्ड फिजिकली और मेंटली टायर्ड फील करता है, बोर आलस फील करने लगता है अगर उसे रेस्ट ना मिले तो, प्रॉपर तरीके से बढ़िया टाइम पास कि दोस्तों के साथ चला के 15 मिनट है ना, राइट, मशीन में कॉफी होती है आजकल कंपनी में, सिक्का डाला कॉफी निकली रेड पी जाओ, आराम से बातचीत भी कर ले, भाई आज ये होगा, आज होगा भाई, आज ऐसा होगा वैसा होगा, आज कोहली ने ये कर दिया, है ना, इस तरीके से बढ़िया बढ़िया बातें तुमने कर ली, अब माइंड रिफ्रेश होगा, काम पे आ जाओ, ठीक है। तो रेस्ट इंटरवल विल हेल्प रीगेन द स्टेमिना, ठीक है ना। अब ये हो गया भैया तुम्हारा आज का MCQ। ऐसा कौन सा मेथड है जो स्टेमिना रीगेन करने में हेल्प करता है, या ऐसी कौन सी टेक्निक है जो स्टेमिना रीगेन करने में हेल्प करती है? जट लगाया ना बोला, फैटिक स्टडी, ठीक है। टायर्ड वाली बात आएगी तो तुम पहचान ही लोगे, ऐसी कौन सी स्टडी है जो टायर्ड ना कराने में या टायर्ड से बचने में सहायता करती है, फैटिक स्टडी। यानी मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं आंसर ऐसे पढ़ने मुन्ना, आंसर ऐसे पढ़ने, ये मैं छुपा लेता हूं, अब तुम्हें आंसर जानना है कि नहीं बात, राइट? तो 2 MCQ यही दिख रहे हैं। अब इसके बाद टेलर सर ने बोला 3 चीजें डिसाइड कर लेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, फ्रीक्वेंसी यानी बात कितनी कितनी देर में देनी है, इंटरवल यानी कि पहला इंटरवल 2 घंटे के बाद, दूसरा इंटरवल 2.5 घंटे के बाद, तीसरा इंटरवल फिर 2 घंटे के बाद, ऐसे करते करते कितनी देर में इंटरवल देना है, ठीक है। फैक्ट्री है तो भैया पहला इंटरवल 3 घंटे के बाद, दूसरा इंटरवल 2 घंटे के बाद, फिर तीसरा इंटरवल 2.5 घंटे के बाद, ये अपने हिसाब से तुम क्या कर लो भैया, ये अपने हिसाब से डिजाइन कर लो फ्रीक्वेंसी, कि अगर फैक्ट्री 10 बजे खुल रही है, 9 बजे खुल रही है, तो पहला इंटरवल कितनी देर में, दूसरा कितनी देर में, तीसरा, ठीक है। अगली क्या चीज डिसाइड करनी है, अगली डिसाइड करनी है ड्यूरेशन,
ड्यूरेशन यानी कितने टाइम का, यानी पहला इंटरवल हम देंगे भैया 15 मिनट का, ठीक है, पहला हो गया भैया 15 मिनट का। लंच ब्रेक दे देंगे 45 मिनट का, लंच ब्रेक। तीसरा इंटरवल दे देंगे भैया 20 मिनट का, शाम तक स्टेमिना और थोड़ा लो हो जाता। तो ये आपको डिसाइड करना है ड्यूरेशन कितने टाइम का देना है, नंबर ऑफ इंटरवल है ना। हमने तो स्टैंडर्ड ले लिया सर कि नंबर ऑफ इंटरवल 3 ही दिए जाते हैं, मोस्टली कंपनीज में 3 दिए जाते हैं, पर भैया कई फैक्ट्रीज में क्या होता है 4 दे दो भैया। पहला इंटरवल 2 घंटे बाद, दूसरा 2.5 घंटे बाद, तीसरा है ना 2 घंटे के बाद, और चौथा 1.5 घंटे के बाद। तो भैया कितने है ना नंबर ऑफ इंटरवल, कितने इंटरवल, तीसरा आपको डिसाइड करना है भैया कितने इंटरवल। तो तीनों बात आपको डिसाइड करके चलनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी देर में देनी है ना राइट, दूसरा इंटरवल का समय क्या होना चाहिए, और तीसरा कितने 1, 2, 3, 4, 5 कितने इंटरवल अपने एम्प्लॉय को देना चाहते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, बोला सर समझ में आ चुकी है, लिख दो जल्दी, मजा ही आ चुका है, मैं 2000 लाइक के लिए बैठा, 10000 लाइक होने चाहिए कम से कम, यही बात है तो है ना, याद आ जाती है सर की। तो भैया अब ये क्यों होता है, यानी फैटिक बोर आदमी क्यों होता है, फैटिक इंसान क्यों हो जाता है, तो क्या लिखोगे, लिखो जल्दी, फैटिक इसलिए होता है ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर, ठीक है ना, लॉन्ग वर्किंग आवर होते हैं हमारी कंपनी में। और सर क्यों लोग बोर हो जाते हैं, फैटिक हो जाते हैं, लिखो, अनस्टेबल वर्किंग है ना, कभी इधर भेज दिया कभी उधर भेज दिया है ना, जो बेचारे डिलीवरी बॉय होते हैं वो जल्दी बेचारे क्या हो जाते हैं, आलस में आ जाते हैं, क्यों, कभी बाइक इधर चलाने कभी कितने किलोमीटर चलाने, तो जल्दी उनको थकान हो जाती है। बिल्कुल सही बात है सर, है ना, बोलो मजा ही आएगा सर। और क्यों हो सकता है, और हो सकता है अनफेवरेबल कंडीशन, बैड वर्किंग कंडीशन, गर्मियों का मौसम हो रहा है कि नहीं बात राइट, पंखा भी नहीं है, एकदम बंद कमरा है, उसमें लाइट भी नहीं जला रखी, तो बैड वर्किंग कंडीशन से भी इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। और कैसे हो सकता है सर, चौथा रीजन हो सकता है अनहेल्दी रिलेशन विद बॉस, है ना, बॉस के साथ रिलेशन जो है वो अनहेल्दी है, तो आप मेंटली ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे, यार अब फिर से बॉस आएगा, ये बोलेगा वो बोलेगा, यार दिमाग ही चल गया मेरा। तो चार तरीके से मोस्टली कंपनीज में देखा गया कि ज्यादा लंबा वर्किंग आवर दोगे तो बेचारा फेटिक हो जाएगा, अनस्टेबल है ना वर्किंग कंडीशन है तो बोर हो जाएगा, बैड वर्किंग कंडीशन है तो बोर हो जाएगा, अगर कंपनी के बॉसेस के साथ अनहेल्दी रिलेशन है तो भी वो बहुत जल्दी आलस, बोर या दिक्कत महसूस कर सकता है, मेंटली स्ट्रेस महसूस कर सकता है, ठीक है ना राइट। तो फैटिक स्टडी क्या है, फैटिक स्टडी खाली फिजिकल स्ट्रेस नहीं है, मेंटली बोर होना भी है, मेंटली आलस, मेंटल स्ट्रेस भी फैटिक स्टडी में आता है। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, बोलो जल्दी, मजा ही आ चुका है, ठीक है मुन्ना सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात समझ में आ चुकी है और हमें बिल्कुल मजा ही आ चुका है। अब अगले दो स्टडी की तरफ चलते हैं जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फिर से इसको MCQ और वन वर्ड की ही नजरों से देखेंगे, मैंने ये छुपा लिया और मैंने जे भी मैंने छुपा लिया भैया, जे भी मैंने छुपा लिया, ठीक है ना। सबसे पहले टेलर सन ने बोला भैया किसी भी काम को करने का ना एक स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि किसी भी काम करने का एक जेन्युइन टाइम, स्टैंडर्ड बोले तो जेन्युइन टाइम फिक्स होना चाहिए सर, जेन्युइन टाइम बोले तो मतलब इतने टाइम पे ये काम हो ही जाता है, जैसे तुम्हारे एग्जाम का स्टैंडर्ड टाइम है 3 घंटा, मोस्टली एग्जाम पूरे इंडिया में खाली तुम्हारा ही नहीं, सारे एग्जाम चाहे वो CA लेवल पे हो किसी भी लेवल पे हो, जो रिटन एग्जाम होते हैं वो नॉर्मली उन्हें 3 घंटे ही दिए जाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, यानी एक जेन्युइन टाइम है जो दिया जाता है, ठीक है ना। इसी टाइम के अंदर टेलर सर ने बोला इसी टाइम के अंदर सारे काम हो जाने चाहिए, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इतने टाइम के अंदर अगर मुझे काम कंप्लीट करना है तो मुझे कितने वर्कर चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए मेरा एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम ये है, तो मुझे उसके लिए कितने वर्कर चाहिए, अगर मैं 100 यूनिट बनाता हूं तो। सर इसका एग्जांपल क्या हो, इसका एग्जांपल लिखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है सर, मैं किसका एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, मुन्ना एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं स्टैंडर्ड टाइम का, लिखो मुन्ना, फॉर एग्जाम्पल इट इज, लिखते जाना साथ साथ, इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड है ना टाइम, स्टैंडर्ड टाइम टू मेक, ये डिटरमाइंड की जगह आप चाहो तो डिटरमाइंड की जगह यहां इवेंट लगा सकते हो, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट है ना
कि जो स्टैंडर्ड टाइम है टू मेक लंच बॉक्स, है ना, लंच बॉक्स इज 20 मिनट, 20 मिनट्स यानी एक लंच बॉक्स, ठीक है, एक डब्बा खाने का अगर आप बनाते हैं तो भैया 20 मिनट में वो बन के तैयार हो जाता है, ठीक है ना। सो इन 1 आवर जो आपके पास बुक पहुंच चुकी है मेरी, अगर नहीं पहुंची तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजोन से आप मंगा सकते हैं। उस बुक का साइड वाला पेज देख रहे हो ना खाली है कि नहीं, तो साइड वाले पेज पे ये एग्जाम्पल वगैरह, सीक्रेट कोड वगैरह, एमसीक्यू वगैरह जो मैं आपको बताता हूँ वो लिखने होते हैं। सो इन 1 आवर कितनी यूनिट बनेंगे? सो इन 1 आवर वर्कर विल मेक 3 लंच बॉक्सेस, ठीक है ना। फिर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग अज्यूमिंग वर्कर्स पुट 8 आवर शिफ्ट, वर्कर 8 घंटे की शिफ्ट में काम करता है, इन विच 1 आवर इज ब्रेक टाइम, फैटिक स्टडी के लिए क्या है, ब्रेक कह दो, लंच कह दो, है ना, कुछ भी कह रहे हैं, लंच टाइम। तो इफेक्टिवली वो कितना काम कर रहा है, तो इफेक्टिवली 7 आवर इज वर्किंग आवर। अब अगर 7 घंटे आप काम कर रहे हैं फैक्ट्री में तो आपकी वो यूनिट कितनी बननी चाहिए, देयरफोर एग्जाम में पूरा लिखना, देयरफोर स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, फॉर 7 आवर्स, क्या, तो स्टैंडर्ड टाइम नहीं स्टैंडर्ड यूनिट्स, है ना, देयरफोर स्टैंडर्ड यूनिट्स या लंच बॉक्स इन या फॉर 7 आवर्स इजिकल टू कितने सर, ये बैठेंगे सर 1 घंटे में कितने बनाता है सर वो, 1 घंटे में 3, तो 7 × 3, ठीक है, 7 घंटे इंटू 1 घंटे के 3 बॉक्स, यानी 1 दिन में 21 बॉक्सेस बनने चाहिए, 1 दिन में 21 बॉक्सेस बनने चाहिए, राइट। अब ये क्या हो गया, अब ये आपका स्टैंडर्ड टाइम से स्टैंडर्ड टास्क बन गया, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज, है ना, स्टैंडर्ड टाइम कितना, 7 घंटा, राइट, हमारे फैक्ट्री में, एंड स्टैंडर्ड टास्क इज 21 बॉक्सेस, है कि नहीं बात, 21 बॉक्सेस इन अ डे, एक दिन में आपको 21 बॉक्स बनाने हैं। तो अब आप अपने वर्कर से बोलेंगे भाई हमारा स्टैंडर्ड टाइम है भैया 7 घंटे, यानी 7 घंटे में 21 बॉक्स बन के तैयार हो जाते हैं मुन्ना, ये एक जेन्युइन टाइम है, इतना आपको टारगेट हिट करना है, 7 घंटे आपको एक दिन में मिलेंगे काम करने के, 7 दिन में 21 बॉक्सेस बनाना, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से स्टैंडर्ड जेन्युइन टारगेट है, जेन्युइन टारगेट है 7 घंटे में 21 बॉक्स, 7 घंटे में 21 बॉक्स, 7 घंटे में 21 लंच बॉक्सेस, मजे आएगा सर, बोलो सर, बात समझ आ चुके, मजे आ चुके, ये एग्जाम्पल डिट्टो चिपका गया ना एग्जाम में, ठीक है, राइट। इसी के बेस पे आपके एमसीक्यू बनने हैं, इसी के बेस पे आपके वन वर्ड क्वेश्चन भी बनने हैं, सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। इसी के साथ हेनरी फ्योल सर ने, ओ सॉरी टेलर सर ने एक बात और बोली, टेलर सर ने बोला कि भैया मैं चाहता हूं कि जो एफिशिएंट वर्कर हो ना, एफिशिएंट वर्कर को ज्यादा पैसा मिले, और जो इनएफिशिएंट वर्कर है जो टाइम वेस्ट ज्यादा करता है कि नहीं बात, गॉसिप ज्यादा करता है, बातचीत इधर उधर की चटपटी बातें ज्यादा करता है, मसालेवाद आदमी है वो, तुम जैसे बच्चों मसाले मसाले चाहिए उन्हें पढ़ने में, है ना, राइट, इधर उधर की बातें कर ली, टाइम पास कर ली, उनको कम पैसे मिलने चाहिए ताकि ताकि उन्हें बात समझ में आ जाए, काम करके पैसा कमाया जाता है, टाइम वेस्ट करके पैसा नहीं कमाया जाता। तो थोड़ा सा गुस्से में टेलर सर ने एक नई टेक्निक निकाली, है ना, तो गुस्से में थे टेलर सर, उन्होंने गुस्से में क्या टेक्निक निकाली, गुस्से में उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ एक चीज और लिख दो, है ना, क्या लिख दो सर, एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ फिर पढ़ा दूंगा,
ठीक है, इट इज डिटरमाइंड, हमने ऊपर क्या डिटरमाइन किया, इट इज, उसी से लिंक कर रहा हूं, इट इज डिटरमाइंड स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हुआ, है ना, इट इज डिटरमाइंड स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज 21 बॉक्सेस, है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना सर 21 बॉक्सेस है, 21 बॉक्सेस है, ठीक है मुन्ना, राइट। फिर टेलर सर ने बोला वर्कर, वर्कर हु हिट या डन, है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट, एक दिन में उसने उतने आउटपुट कर दिया, देन ही विल गेट 50 रुपया, 50 रुपये लेट से, चलो है ना आसानी से के लिए 100 कर लेते हैं ना मुन्ना, या आसान कैलकुलेशन है कि 100 रुपया पर बॉक्स, ठीक है मुन्ना, 100 रुपये पर बॉक्स मिलेंगे, बोलो मजा आइएगा कैसे। लेकिन लेकिन साथ के साथ क्या बोला, है ना, इफ इफ स्टैंडर्ड आउटपुट, या कह दो इज लो, या फिर कह दो आउटपुट इज लोअर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट इज लो, लोअर देन 21 बॉक्सेस, स्टैंडर्ड 21 है ना, उससे भी कम बनाए, देन सजा मिलेगी, अरे हो जाना, सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, देन देन पेमेंट विल बी, या वर्कर विल गेट, वर्कर विल गेट 80 रुपीज पर बॉक्स। अब देखो इससे क्या होगा, अब इसके एनालिसिस करते हैं, है कि नहीं बात, राइट। नाउ अगर, अब क्या हुआ, नाउ इफ वर्कर मेड एग्जैक्टली स्टैंडर्ड पे वो मैच कर गया 21 बॉक्सेस, उसकी अर्निंग कितनी हुई, हिज अर्निंग इज 21 इंटू 100 रुपए के हिसाब से, मुन्ना 21 इंटू 100 रुपया के हिसाब से कितना हो गया सर 2100 रुपए, एक दिन में भाई साहब ने 2100 रुपए कमा लिए, धनाधन धनाधन फैक्ट्री में काम करता चला गया, बोलो मजा आएगा सर, बात समझ आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, ठीक है। लेकिन एक वर्कर ने, एक वर्कर ने इससे कम काम किया, बट इफ वर्कर मेड स्टैंडर्ड से कम 20 बॉक्सेस, अगर वर्कर ने 20 बॉक्सेस ही बनाए, देन देन हिज अर्निंग, भैया उसकी अर्निंग कितनी होगी, इज अर्निंग इज, इस बार उसे स्टैंडर्ड से एक कम होते ही झूल लिया बेचारा, वो गया, गॉन, टाटा बाय बाय, गया, है ना, राहुल गांधी जी की तरह हो जाएगा वो, इस बार उसको मिलेंगे 20 बॉक्सेस, ठीक है, 20 बॉक्सेस इंटू, क्योंकि स्टैंडर्ड से कम बनाया है, इंटू 80 इंटू 80, राइट, तो 20 इंटू 80 अगर करेंगे तो इस बार उसे मिलेंगे 1600 रुपए, 1600 रुपए। अब डिफरेंस जानो मुन्ना, अब डिफरेंस जानो, है ना, डिफरेंस जानो जल्दी से, कितना डिफरेंस है सर, ये जो डिफरेंस है 2100 रुपए और 1600 रुपए, सर ये जो डिफरेंस उसका बना, दिस डिफरेंस ऑफ, दिस डिफरेंस ऑफ 500 रुपीज इज एनफ, ये बहुत ज्यादा है उस वर्कर के लिए, जब घर जाएंगे ना शाम को सारे वर्कर, आज कितना मिला माल 2100 रुपया, है ना, वो कह रहा भाई निकल गए मेरे 1600 मिले, ये एनएफ है कि अगले दिन वो क्या करेगा, दिस डिफरेंस आंसर एनएफ फॉर इनएफिशिएंट वर्कर, इनएफिशिएंट वर्कर टू डू, टू डू बेटर परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे। तो मुन्ना जे जे शानदार जानदार एग्जांपल लिख लेना सर, ये जो किया टेलर सर ने, ये जो किया टेलर सर ने, ये क्यों किया, है ना, राइट, क्यों लगाया है ये लॉ, या क्यों लगाई है ये टेक्निक, तो टेलर सर ने इसको इसलिए लगाया ताकि वो डिफरेंस कर सके, है ना,
एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंस निकाल सके कि भैया एफिशिएंट को ज्यादा मिलेगा पैसा, इनएफिशिएंट को बिल्कुल कम मिलेगा, जैसा आपने अभी देखा। क्या बोला, समझ में आ गई बात सर? मुझे क्या ठीक है, ये टेक्निक जो उन्होंने बताई कि भैया जिसको पैसा मिल रहा है ठीक ठाक वो एफिशिएंट होगा और जिसको नहीं मिलेगा वो इनएफिशिएंट होगा, ये टेक्निक थी। डिफरेंट पीस वे सिस्टम, राइट, यानी कि ये है इसका एमसीक्यू, ये है इसका एमसीक्यू और केस स्टडी की लाइन। एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर को डिफरेंट रेट से पेड करो। टेलर सर चाहते हैं एफिशिएंट वर्कर रिवॉर्ड मिले। आंसर क्या होगा? डिफरेंस पीस वे सिस्टम, ये लिखा है तो आंसर क्या होगा? डिफरेंस पीस वे सिस्टम, ठीक है। तो डिफरेंट पीस वे सिस्टम निकाला ताकि ताकि अबव स्टैंडर्ड एंड फॉर दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड को पता लग जाए कैसे काम करना है। तो ये सारे एमसीक्यू डिफरेंट पीस वे सिस्टम पे लगा के आने, लगा के आने, लगा के आने। बोलो सर, बात समझ में आ चुकी है? मजा ही आ चुका है। तो दोस्तों जी, ये तो आपने देखा, ये सच्ची घटना है, आपको दिख ही रहा है। और मैंने इसके बारे में पता किया क्योंकि क्योंकि जब मैं जॉब करता था आज से 10-12 साल पहले, तब मुझे मौका मिला ऑडिट करने का। सर ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पीएनएल बैलेंस शीट चेक करना। किसकी? सर बीकानेर की। तो भैया हम पहुंचे ऑडिट करने, तो भैया मैंने उनसे बहुत ही बढ़िया मजेदार सवाल पूछ लिया। मैंने कहा भैया मुझे ये बताओ, और छोले भटूरे लिया बना बना के जैसे अंकल जी बना रहे। तो मैंने उनसे पूछा, भैया यार तुम जब छोले भटूरे लाते हो, वाह वाह वाह, ऐसे छोले भटूरे होते हैं गोल्डन गोल्डन से सिके हुए होते हैं, छोले में वो प्याज लगी होती है, आलू लगा होता है, चटनी होती है, मजा आ गया सर, है ना? पानी वो पानी छटक लो, पहले पानी छटक लो, जल्दी छटक लो पानी, मुझे निकल जाएगा, है कि नहीं बात? तो भैया पानी छटक लिया, हाँ सर छटक लिया। तो मैंने पूछा तुम्हारे भटूरे में ऑयल क्यों नहीं आता? भैया हमारे घर में जब माता जी भटूरा बनाती है ना, तेली तेल तैर रहा, तेली तेल है ना, उसे हम नैपकिन में चप 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 करके उसका तेल हटाते हैं, लेकिन भैया आपके भटूरे में ऑयल क्यों नहीं आता? सोचा कभी? सोचा है क्या तुमने कभी? आसमा है नीला क्यों पानी नीला लगी लगी, है कि नहीं बात? तो भटूरे में तेल क्यों नहीं? ठीक है, तो सोचा है तुमने कभी? अब मैंने कहा यार ये बात मुझे जाननी बहुत जरूरी, जल्दी बता दो वरना भी रिपोर्ट बना दूंगा गलत ऑडिट की। तो बीकानेर वाले भैया ने मुझे जवाब दिया कि सर हमारा ना स्टैंडर्ड फिक्स है। सर स्टैंडर्ड फिक्स है? बोले तो स्टैंडर्ड फिक्स है कि हम अप्रोक्सीमेट, मान लो जैसे 50 भटूरे निकालेंगे, है ना, एक उस कढ़ाई में जो हमने चढ़ा रखी है ना आग के ऊपर,
और इसमें तेल डाल रखा है, तो अच्छी क्वालिटी का तेल डालेंगे सर हम, अच्छी क्वालिटी का तेल डालते हैं और उसमें बढ़िया सी क्वालिटी का तेल डाल के उसमें फिक्स कर दिए स्टैंडर्ड कि भैया 50 भटूरे से ऊपर, यानी 51वां भटूरा, 51वां भटूरा इस तेल में निकालना ही नहीं है, 51वें भटूरे के लिए ऑयल चेंज करना पड़ेगा, ऑयल चेंज करना पड़ेगा। यानी उन्हें पता है इसके बाद, यानी 51वें भटूरे को अगर हम इस पुराने तेल में तल देंगे तो 51वें भटूरे पर ऑयल आना शुरू हो जाएगा, जो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू से, हमारे स्टैंडर्ड बेंचमार्क से गलत है कि नहीं बात? मैंने कहा क्या तगड़ी बात है। फिर मैंने एक और सवाल पूछा जो 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 बहुत ही लाजमी है, उससे तक तुम में से किसी बच्चों के दिमाग में भी आ रहा हो, जिनके दिमाग में आ रहा है कमेंट मार देना, ठीक है ना सर। ये कि ये जो पुराना तेल है, ये जो पुराना तेल बच गया, वैसे तो नहीं कढ़ाई में पूरा तेल खत्म हो जाएगा, पुराना तेल तो बचेगा ही, पुराने तेल का क्या करते हो? पुराने तेल का क्या उसको तो आपने इस्तेमाल करना नहीं, क्योंकि उसमें भटूरे निकलेंगे, उसका क्या करना है? उसने एक राज की बात बता दी मुझे, मैं भी तुम्हें ऑडिट की बात ही बता रहा हूँ सर। पुराने तेल को कुछ भी नहीं है सर, इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो आपके लोकल हलवाई है, लोकल हलवाई जो आपके घर के बाहर, अग्रवाल स्वीट, गुप्ता स्वीट है कि नहीं मानी है, वही सिंगल स्वीट, ठीक है, लोकल हलवाई बाय करते हैं, लोकल हलवाई बाय करते हैं, ठीक है। क्यों? एक तो उन्हें सस्ता मिल जाता है, एक तो एडिबल अच्छा ऑयल मिलता है, ऐसा नहीं कोई भी है ना तुच्चा मुच्चा तेल लगा दिया, एक तो अच्छी क्वालिटी का ऑयल मिलता है कि भैया बीकानेर से आया है, ठीक है ना, तो ऑयल भी अच्छा मिलता है, और लोकल वाइज से बाय कर लेते हैं कि वो उनको सस्ते में देते हैं, सस्ते में है ना, रस्ते का माल सस्ते में नहीं, बढ़िया माल है ना सस्ते में मिलता है। तब मुझे बात समझ में आई कि भाई ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है किसका सर? स्टैंडर्डाइजेशन का। यही एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये एमसीक्यू देखो पहला क्या बनेगा, ये रहा हमारा भैया पहला एमसीक्यू, जेरा भैया हमारा पहला एमसीक्यू क्या होगा सर? ये लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में, इट रेफर्स द प्रोसेस ऑफ सेटिंग, स्टैंडर्ड की जगह क्या वर्ड देंगे, स्टैंडर्ड की जगह आपको देंगे सेटिंग बेंचमार्क। क्या बोला? बेंचमार्क है कि नहीं बात? बेंचमार्क हर चीज का बेंचमार्क होगा, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होगा, है ना, राइट, किसी भी काम को करने का। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम तुम्हें पता था 7 घंटे में 21 यूनिट, अभी पढ़ा है मुन्ना मैंने तुम्हें, 7 घंटे में 21 यूनिट, 7 घंटे में 21 यूनिट स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड में क्या आ गया, स्टैंडर्ड में हर चीज का स्टैंडर्ड सेट कर दो, इतने घंटे में ही काम हो जाना चाहिए। स्टैंडर्ड रॉ मेटेरियल, स्टैंडर्ड रॉ मेटेरियल किसके द्वारा, बीकानेर द्वारा, तेल स्टैंडर्ड होना चाहिए, है कि नहीं बात? स्टैंडर्ड आउटपुट, कितना आउटपुट हो गया स्टैंडर्ड, सर स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया मेरा 50 भटूरे, ए भटूरे है ना, 50 भटूरे। तो स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट, हर चीज का एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट कर दिया, राइट। तो यही बात देखो एग्जांपल में लिखे जो बीकानेर वालों ने मुझे बताई, सर हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इतनी देर में गर्म होगा तेल, ठीक है, इतनी देर में भटूरा डालेंगे और इतनी ही देर में निकाल देंगे, ऐसा नहीं कि जला दिया उसे। रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड है, मैदा इस क्वालिटी की होगी, ऑयल इस क्वालिटी का होगा, टाइम सेट है ना, 2 मिनट से ज्यादा भटूरा कढ़ाई में नहीं पड़ा होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो गया हमारा, स्टैंडर्ड मशीनरी है, यानी कढ़ाई कैसी होनी चाहिए, उसमें आग की फ्लेम है ना कि भैया फ्लेम कितनी तेज होनी चाहिए, ये सब उन्हें पता होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड, और मेथड, वर्किंग कंडीशन सब पता है। तो बीकानेर वालों ने ये स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, और उनके पास उस भटूरे को निकालने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल, ऑयल अच्छी क्वालिटी का, जो 50 लीटर के बाद डालना है, स्टैंडर्ड टाइम है, 2 मिनट से ज्यादा भटूरे को कढ़ाई में नहीं डालना, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो, ठीक है, स्टैंडर्ड मशीन है कि फ्लेम कितनी तेज रखनी है, फ्लेम कितनी हाई लो पे करनी है, स्टैंडर्ड मेथड है, जो देखा तुमने बाहर घुमा के डाल दिया, जैसे बॉल डालते क्रिकेट में, बॉल घुमा के ऐसी भटूरा भी घुमा के फेंका है कि नहीं बात, देखते होंगे तुम्हें ना। तो वर्किंग कंडीशन भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया, बोला मजा आ गया सर। सर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, है ना, ये एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है मुन्ना, कोई इसमें बुराई नहीं है। साथ के साथ जो येलो येलो पेन से हाईलाइट कर रखा है ना, बस ये सेट कर देना, ठीक है ना, राइट। छोले भटूरे की जगह प्रोडक्ट लिख देना ना, मैं कब कह रहा हूँ तुम छोले भटूरे लिखो यार, तुम ये ऐसे लिख दो, ठीक है ना, छोले भटूरे की जगह लो यार, तुमने ऐसी बात कर दी, यहाँ से लो भटूरा काट देता हूँ, है ना, ऑयल तो लिख सकते हो ना, राइट। तो 50 प्रोडक्ट ऑन स्टैंडर्ड
ऑयल क्या हो गया, रॉ मेटेरियल हो गया, ऑयल या अदर है ना, आटा जो भी लिखना चाहो, तो प्रोडक्ट लिख दो, छोले भटूरे के लिखने में शर्म आता तो प्रोडक्ट लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आता है सर स्टैंडर्ड के बारे में बात कर ली। एक वर्ड और सर इसमें लिखा हुआ, टेलर सर ने कहा सिंप्लीफाई करो चीजों को, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाई का दुनिया का बेस्ट लाइव एग्जाम्पल या बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अमेरिका की पेपर कंपनी है, यूएस पेपर कंपनी है ना, यूएसए की पेपर कंपनी है, विच मेड 2000 टाइप्स ऑफ पेपर। कितने तरह के पेपर बनाते थे, 2000 तरह का पेपर बनाते थे मुन्ना, 2000 तरह का। उन्होंने अपनी ये क्वांटिटी है ना, दे रिड्यूस्ड अबव क्वांटिटी या कह दो टाइप्स टू 200 टाइप्स ऑफ पेपर। उन्होंने कहा 2000 छोड़ो, सिर्फ 200 पेपर तरह के पेपर बनाएंगे, 1800 तरह के पेपर, 1800 तरह के पेपर जैसे है ना, अच्छी क्वालिटी का पेपर, वो रफ पेपर, आर्ट शीट, उन्होंने ऐसे कुछ 1800 पेपर डिलीट मारे। उन्होंने क्या देखा कि उसके बाद देयर देयर प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड। भैया उनका प्रॉफिट बढ़ गया मुन्ना, कैसे क्यों? अरे भैया ऐसा मैडम जी कैसे हो गए, ऐसा कैसे हो गया, हैंडपंप उखाड़ते तो पानी पानी भर जाता है, ये सूखा कैसे हो गया, दमता है, प्रोडक्ट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट कम होने, प्रॉफिट कैसे बढ़ गया जबकि प्रोडक्ट कम हो गए, कसम मंगवाने की जल्दी बता दो। पता क्यों हुआ ऐसा, लोगों ने सोचा अब वो क्या हो चुके हैं, परफेक्शन लेवल पे आ चुके हैं, परफेक्शन लेवल पे आ चुके हैं, मतलब स्पेशलिस्ट है, अगली बार वो स्पेशलिस्ट है उसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने में, जैसे कि ये मेरे साथ भी है। ठीक है, अब मैं सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूं, अब मैं सिर्फ ओनली बीएससी पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया से है ना, अब यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, उन्हें क्या लगता है, उन्हें ये लगता है कि सर ओनली बीएससी पढ़ाते हैं तो ही इज अ स्पेशलिस्ट, वो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है, अपने सब्जेक्ट में परफेक्शन लेवल है, उन्होंने अपने सब्जेक्ट में रिसर्च कर रखी है गहराई में जाकर हर एक चीज की, और जो मैंने कर भी रखी है। तो भैया मैं अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल स्पेशलिस्ट हूँ, सारे केस सारी बिजनेस स्टडीज की न्यूज पढ़ता हूँ जो तुम्हें प्रैक्टिकली बता सकूँ, हाँ भाई ये होता है, तो इज अ स्पेशलिस्ट। अब जो स्पेशलिस्ट बंदा होता है, जो एक ही काम करता है, एक ही काम में स्पेशलिस्ट है वो बंदा, उसको उस स्पेशलिस्ट बंदे को बोला जाता है स्पेशलाइजेशन या सिंपल सॉरी सिंप्लीफिकेशन, यानी इट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। आप किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो गए तो आपने अपने काम को सिंप्लीफाई कर दिया। एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए मुन्ना एमसीक्यू क्या बनेगा, ये इट इज अ प्रोसेस विच एलिमिनेट अननेसेसरी वेराइटीज अननेसेसरी साइज ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें बताया जाता है कि जो बेकार अननेसेसरी जो यूजलेस है बेकार है बेकार वैरायटी, जैसे पेपर कंपनी ने क्या किया अपनी वैरायटी गिरा दी, अननेसेसरी साइजेस है कि नहीं बात, कि भैया मैं कपड़े बना रहा हूं तो स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल मीडियम एक्स्ट्रा मीडियम है कि नहीं बात, लार्ज एक्सल 3XL 5XL अननेसेसरी को छोड़ो, 5XL 10XL में जो दो चार हैवी हैवी से है ना रेसलर टाइप के बालक होंगे, सुमो टाइप के लोग होंगे, तो वो बहुत कम होते हैं, उनके लिए छोड़ो बनाना। ठीक है, ग्रेड्स जैसे चाय में ग्रेड्स होती है येलो टी ग्रीन टी है ना, तो भैया एक ही बनाओ, चावल में होता है टुकड़ा ये वो, काजू में होता है 304 720, तो भैया अननेसेसरी ग्रेड को हटा दो। इससे क्या आपको समझ में आएगी बात, कि आपको दुनिया जानेगी कि आप एक ही ग्रेड में काम कर रहे हो, तो इसका मतलब यू आर स्पेशलिस्ट इन दैट प्रोडक्ट। बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। इसको बोला गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है सर, ये हो गई सर टेलर की टेक्निक्स। सर यहाँ पे जो टेलर की टेक्निक है आपने है ना भाई साहब की, ठीक है ना, धोनी भैया की, ये फोटो लगा रखी फोटो, सर ये फोटो क्यों लगा रखी धोनी भैया की, ये बताता हूँ भैया। धोनी भैया पता क्या करते हैं, अब रांची के हैं कि नहीं बात, तो रांची ने क्या किया, एक रेडियो स्टेशन चला दिया कि भैया धोनी भैया हमारे रांची के हैं और रांची में, ठीक है ना, इतना बढ़िया धोनी भैया ने काम किया है
तो हम उन्हें भैया ट्रिब्यूट देंगे, उनके नाम का रेडियो स्टेशन खोलेंगे, उनके नाम का रेडियो स्टेशन रखा गया धोनी 91.2, 91.2 धोनी FM, ये बोला गया। ठीक है, अब धोनी भैया को बताया गया, धोनी भी बहुत खुश हुए। धोनी भैया कह रहे हैं भैया मैं आऊंगा और जो भी बालक क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेटिंग थोड़ी बहुत टिप जो बनती है रेडियो पे देके जाऊंगा फ्री में। तो भैया ये बात जब मैंने सुनी तो मैंने बोला ठीक है, एम एस धोनी FM पर, MS धोनी FM पर फ्री टेक्निक देते हैं। अब जो हिंदी में है जी भैया, हिंदी से कुछ नहीं बनेगा। राइट, पहली रात की बात, टेक्निक वर्ड क्यों डाला है ना, क्योंकि भैया टेक्निक का कोड है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्या बोला, टेक्निक पढ़ा रहा हूं, टेक्निक। तो भैया टेक्निक का तो कोड है, इसलिए टेक्निक वर्ड डाला सर। अब सर एम से क्या बनेगा, जल्दी बोलो, एम से बनेगा मोशन स्टडी। एस से क्या बनेगा, जल्दी बोलो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, धोनी के डी से क्या बनेगा, डिफरेंस पीस वेज। एफ से क्या बनेगा, फंक्शनल फोरमैन। ठीक है, एम से क्या बनेगा, एम से मेथड स्टडी, फूड असेंबली लाइन। हिंदी में उनना कुछ नहीं बनेगा। एफ से क्या बनेगा, फैटिक स्टडी बनेगा। ठीक है, राइट। टेक्निक के टी से बनेगा टाइम स्टडी। मेरे दोस्तों बात से मैं चुकी हुई, बोलो मजा ही आ चुका सर, मजा आ चुका। इसलिए फोटो भी धोनी भैया की लगा के दी है ताकि जब भी आप धोनी की फोटो देखें तो टेक्निक में जाए। राइट, और इसीलिए मैंने टेक्निक्स ऑफ टेलर की शुरुआत भी धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट से की थी। पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमको सिखाएगा, समोसा खिलाएगा, हाँ खिला देंगे तो सिखा देंगे। ठीक है, राइट, इसलिए वहीं से शुरुआत की थी, मोशन स्टैंडर्ड डिफरेंस फंक्शनल मेथड फैटिक टाइम। एम एस धोनी एफ एम पर फ्री टेक्निक देते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर आप यूट्यूब पे पढ़ाते हो हमें, है ना, मजा आता है पढ़ के आपसे, सर गुरु दक्षिणा क्या है? तो भैया कोई गुरु दक्षिणा नहीं है, मैं तुमसे अंगूठा नहीं मांग रहा कि भैया चक्कू निकाला काट के दे दे, है ना भैया। मैं सबसे ये कहता हूँ ये गुरु दक्षिणा है, सही लग रहा है, समझ में आ रहा है तो शेयर जरूर करें, पूरी दुनिया में फैला दे, मतलब इंडिया में नहीं कह रहा मैं, दुनिया में, US, अमेरिका, पाकिस्तान, ठीक है, चाइना, सब जगह तुम्हें, रशिया वगैरह सब जगह तुम्हें वीडियो फैलानी, बस ये टारगेट तुम्हें रखना है। तैयार कर रखा तुम्हारे लिए केस स्टडी, और केस स्टडी ही MCQ कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तुमन्ना ये बताओ क्या लिखा है, ये ध्यान से पढ़ना। यहां तो लिखा है सर, नेम एंड एक्सप्लेन द इंसेंटिव बोनस प्लान बाय अंशुल सो दैट डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। जेलो, क्या इसे पढ़ने की, क्या केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है क्या? एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर जो है वो किस टेक्निक में, है ना, टेलर सर ने अलग किए हैं किस टेक्निक में? सीधा क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन कर दिया, बढ़िया, है ना, प्रेजेंटेशन कर दे, पूरा नंबर मिलेगा। केस स्टडी MCQ तौर पे आई, जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे केस स्टडी MCQ होती है, तो इसे मैं नाम दूंगा केस स्टडी MCQ। क्या नाम दूंगा इसे मैं सर? ये है हमारी केस स्टडी MCQ। ठीक है, तो मुन्ना पूरी दुनिया में फैलाना है कि कैसे केस स्टडी MCQ आती है, सर से पढ़ ली जा सकती है, हर एक केस स्टडी को MCQ मानना है। फिर भी चलो फर्ज है तो पढ़ते हैं, ये पहले तो ऊपर के बेकार बेकार की बातें लिखी हैं, फिर मुद्दे की बात ये बोली एक बंदे ने कि भैया एक जो एफिशिएंट वर्कर है उसने अपनी एफिशिएंसी या आउटपुट डाउन क्यों कर दिया। तो उसने एक दिन पूछा उससे, तो उसने बताया, रामदास ने बोला कि उसने जानबूझ के अपनी एफिशिएंसी गिरा दी, जानबूझ के वो कम प्रोडक्शन करता है। क्यों? क्योंकि जो लेस एफिशिएंट वर्कर है, जो बहुत ही कम बनाते हैं, पहले से कम बनाते हैं, क्या बोलते हैं, वो उसकी लेग पुलिंग करते हैं, काम खींचते हैं,
क्या बोलते हैं, कर ले और काम कर ले, और काम कर ले, ज्यादा पैसे थोड़ी मिलने हैं, उतने मिलने हैं जो हमें मिल रहे हैं, कर ले और काम। यानी कि उसको बोलते हैं तू ज्यादा काम करता है, ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तो भी तुझे कितने पैसे मिलते हैं, तो भी तुझे उतने ही पैसे मिलते हैं, जितने हमें मिलते हैं उतने तुझे मिल जाते हैं। ये बात अंशुल जो ओनर है फैक्ट्री का उसको बुरी लगी, उसने कहा भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे जो लेस एफिशिएंट वर्कर है, लेस एफिशिएंट वर्कर है, उन्हें बात समझ में आ जाए कि ना 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 ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा देते हैं हम और कम काम वाले को कम देते हैं। तो उसने क्या किया, इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर के डिफरेंस के लिए एक टेक्निक लगा दी, इंसेंटिव स्कीम लगा दी। उसको क्या बोला गया टेलर सर के द्वारा, तो मुन्ना एमसीक्यू अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आया तो समझ गया एमसीक्यू बनेगा तो ये चार आएंगे, आंसर क्या होगा मुन्ना, टाइम स्टडी नहीं, एफिशिएंट इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंस पीस बेस सिस्टम ही है जो आपको आंसर देता है। सर क्या था, कुछ भी नहीं था, टुच्चा क्वेश्चन था सर, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन है ये जो मैंने खुद लिखा है आपके लिए, ठीक है ना, रेड पेन से पढ़ो जल्दी, ध्यान से पढ़ेंगे। इफ वर्कर आर टेकिंग मोर गॉसिप, ज्यादा गॉसिप में समय लगा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, है ना, ऑफिस आर में, भैया ऑफिस आर मतलब जैसे पानी पीने गया और मना ले मना ले, जितनी मर्जी उतनी यूनिट बना, है ना, राइट, तो ऑफिस आर में एक दूसरे की वो ज्यादा टांग खींचते हैं, विच टेक्निक अंशुल शुड अप्लाई, तो उसे टेलर की कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, अगर इसी केस स्टडी का एमसीक्यू बनेगा तो ये बनेगा, बताओ मुन्ना, मेथड स्टडी लगाना चाहिए उसे, मोशन स्टडी लगाना चाहिए, टाइम स्टडी लगाना चाहिए, डिफरेंस पीस बेस सिस्टम, है ना, अप्लाई करना चाहिए थर्ड क्वेश्चन में। इसका आंसर आप, इसका मुन्ना, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, है ना, राइट, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा, हाँ भाई आंसर क्या है, ठीक है मुन्ना। तो चलिए बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों, विद केस स्टडी एमसीक्यू समझ में आ चुकी होगी, ये इस तरह की केस स्टडी अब आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है, कि केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कैसे बनाए जाते हैं, राइट। करना क्या है, करना क्या है, क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है और मुझे दुआओं में याद रखना है।